नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही सिंपल येट गॉर्जियस मेकअप लुक फॉर दिस करवा चौथ। आई होप यू विल लाइक इट। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू आर वाचिंग रैबीज फैशंस एंड आई एम स्वानाली। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपलोड्स। ओके, यहाँ पे मैं एज अ प्राइमर यूज़ करूँगी खादी नेचुरल्स रोज़ एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। ये थोड़ा सा थिक जेल है, इसीलिए इसे मैं अपने पूरे फेस पे एज अ मॉइस्चराइज़र एंड एज अ प्राइमर अप्लाई करूँगी। प्लस अपने आईलिड्स पे भी अच्छी तरह अप्लाई कर लूँगी, बिकॉज हम पहले अपने आई मेकअप से शुरू करेंगे। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ दिस डार्क ब्राउन शेड फ्रॉम हुडा ब्यूटी पैलेट एंड आई एम अप्लाइंग दिस ऑन माई आईब्रोज़। एक आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि आप इसे फिल कर पाओ। एंड फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लैक्मे का आईब्रो पेंसिल। बहुत ही नेचुरल रखने की कोशिश कीजिए अपने आईब्रोज़ को, बहुत ज़्यादा डार्कन कर देंगे तो फिर वो नेचुरल नहीं लगेगा, ठीक है। एट लास्ट आई एम गोइंग टू सेट माई आईब्रोज़ विद द हेल्प ऑफ द स्पूली। स्पूली के साथ आप इसे थोड़ा सा सेट कर लीजिए। आप देख सकते हैं आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा शेप में आ गया है, दोनों आईब्रोज़ में आप डिफरेंस देख सकते हैं। Now I'm going to use the pancake from not खाने वाला pancake, makeup का pancake use कर रही हूँ from Olivia and अपने eyebrows को थोड़ा सा clean कर लेंगे ताकि जो shape है वो बहुत ही अच्छी तरह आ जाए। इसे ही हम as a eye concealer या फिर eye makeup करने से पहले हम इसे as a primer use करेंगे ताकि जो भी colors हम यहाँ पे apply करें eye lids पे वो काफ़ी अच्छी तरह यू नो पॉप आउट होके आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा अप्लाई कर रही थी, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज द एप्लीकेशन वॉज नॉट वेरी स्मूथ। स्पॉन्ज की हेल्प से इसे अच्छी तरह डैप डैप करते हुए अच्छी तरह सेट कर लूँगी एंड आई एम गोइंग टू गेट अ वेरी नाइस प्रॉपर स्मूथ बेस। यहाँ पे ये जो ऑरेंजी थोड़ा सा यू नो सनलाइट सनसेट टाइप का एक शेड है आप देख सकते हैं, उसे विद द हेल्प ऑफ माई ब्रश थोड़ा सा फ्लफी ब्रश ले लीजिए एंड अपने क्रीज लाइन को अच्छी तरह डिफाइन कर लीजिए। मेक श्योर कि आप अपने क्रीज लाइन पे ही ये अप्लाई करें। आप देखोगे एक डार्कन सा शेड आएगा बट बहुत ही ब्लेंडेड होना चाहिए। ब्लेंड करते रहिए 10 मिनट तक, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था, आपको जब तक प्रॉपर शेड नहीं मिल जाता। नेक्स्ट आई हैव टेकन दिस लाइटर ब्राउन शेड दैट आई हैव यूज्ड विद माई फिंगर्स ऑन माई लिड्स। आप पूरे लिड्स पे इसे थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए एंड क्लीन ब्रश के हेल्प से या फिर जो ब्रश आपने अपने क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया था वही यूज़ कीजिए टू ब्लेंड टू गिव अ वेरी ब्लेंडेड लुक। नेक्स्ट आई एम टेकिंग इज दिस ट्वाइलाइट ग्लिटरी शेड फ्रॉम द पैलेट एंड यहाँ पे आज मैं बिल्कुल कोई और पैलेट यूज़ नहीं कर रही, बस हुडा ब्यूटी का डस्की नूट पैलेट यूज़ कर रही हूँ। एंड ये वाला जो ग्लिटरी शेड है उसे विद द हेल्प ऑफ दिस स्पॉन्ज ब्रश मैं अपने पूरे लिड्स पे अच्छी तरह अप्लाई कर लूँगी। नॉट पूरे लिड्स पे बट ऑब्वियसली इनर एंड ऑन द मिडल ऑफ माई आईलिड्स अच्छी तरह अप्लाई कर लूँगी एंड थोड़ा सा इसी ब्रश के साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्लेंड करूँगी। आप यहाँ पे फिंगर्स का यूज़ कर सकते थे बिकॉज फिंगर्स से भी बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन मिलता है, बट द थिंग इज़ थोड़ा सा क्लम्जी यू नो थोड़ा सा डर्टी हो जाता है, आसपास लग जाता है, इसीलिए मैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रश मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। अगेन विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्रश दैट आई यूज्ड टू डिफाइन माई क्रीज थोड़ा सा ये जो दोनों शेड मैंने लिया था वो ब्राउन एंड वो यू नो सनसेट वाला जो शेड था ब्लेजिंग ऑरेंज टाइप का जो शेड था वो मिक्स करके मैं यहाँ पे फिर से इसे मिक्स करूँगी ताकि एक कोई भी हार्श लाइंस ना रहे। लैक्मे इंस्टा लाइनर की हेल्प से मैं यहाँ पे एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। बहुत ही ज़्यादा थिक विंग लाइनर नहीं, बट विंग को थोड़ा सा हम पुल करेंगे ताकि वो यू नो एक इलोंगेटेड सा लुक आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे स्लोली इसे ड्रॉ कर रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू जॉइन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आईज़। ऑलरेडी मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है कि कैसे आप परफेक्ट आई यू नो लाइनर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड जस्ट आई एम गोइंग टू फिल इट। वंस वी हैव डन इट आप देख सकते हैं दोनों साइड में विंग्स बिल्कुल परफेक्ट आया है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाता है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग इज दिस L18 काजल, दिस इज़ आई ड्रामा काजल एंड अपने हाफ ऑफ माई
आईलिड्स को मैं टाइट लाइन करूँगी एंड अपर आईलिड्स को भी मैं टाइट लाइन कर लूँगी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा लगा रही हूँ ताकि मैं इसे जब ब्लेंड करूँ तो अच्छा सा एक इफेक्ट आ जाए। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा एंड थोड़ा सा मैं ऊपर अप्लाई करूँगी बिकॉज ऊपर काफ़ी ज़्यादा आई शैडो लग गया था आई लैशेज़ के ऊपर। आज मैं कोई भी फॉल्स आई लैशेज़ नहीं लगा रही। अगर आप चाहते हो कि लुक थोड़ा सा और ग्लैमरस हो जाए तो आप यहाँ पे लैशेस का यू नो फॉल्स आई लैशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट। यहाँ पे मैंने अपने लोअर आई लैशेज एंड अपर आई लैशेज को अच्छी तरह कोट कर लिया है। अब चलिए शुरू करते हैं फेस मेकअप से। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का ऑरेंज करेक्टर। आई होप यू सॉ द यू नो शेड नंबर एंड ऑल दैट। ओके एंड यहाँ पे मैं अपने नोज़ एरिया, अंडर आई एरिया जहाँ पे मुझे करेक्शन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं अप्लाई करूँगी एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड द करेक्टर विद द हेल्प ऑफ अ वेट स्पॉन्ज एंड इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकल जाए और जितना मेरे फेस पे ज़रूरत है वो रह जाए। एंड मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट को ड्रैग ना करें, उसे पुश कीजिए अपने फेस पे ताकि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए ये और आपको एक स्मूथ सा बेस मिले फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। ओलिविया का पैनकेक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एंड आई एम यूजिंग माय स्पॉन्ज। जो स्पॉन्ज वो लोग प्रोवाइड करते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो यहाँ पे मैं ये वाला स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ एंड वेट करके। मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, शेयर सा कवरेज चाहिए, ठीक है। एंड येस ऑफकोर्स बट अंडर आई एरिया या फिर नोज़ ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज़ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ पे मैं कवरेज को बढ़ा दूँगी, ठीक है। ज़्यादा अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं अपने आई एरिया को मैंने अच्छी तरह कवरेज दे दिया। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू माई फेस एंड अप्लाइंग वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ दिस प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत मुझे नहीं है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्किन अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली आप जब भी मेकअप करोगे बहुत ज़्यादा आपको कवरेज नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मल सिंपल थोड़ा सा कवरेज से ही मेकअप बहुत ज़्यादा खिल के आता है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे फेस को अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है इस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट आई एम यूजिंग इज दिस सिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट। दिस टू शेड्स, दिस इज वन इज द ब्राउन शेड जो मैं एज अ कॉन्टूर शेड यूज़ करूँगी एंड द अदर इज दैट ग्लिटरी टाइप ऑफ शाइनी शेड जो मैं एज अ हाइलाइटर यूज़ करूँगी। फेस को थोड़ा सा चिजल्ड कर दूँगी बिकॉज फेस थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा था एंड थोड़ा सा चिजल करने से आपके फेस को डायमेंशन, एक प्रॉपर तरीके का शेप मिलता है। नोज़ को इन द हॉलोज ऑफ माई चीक्स, फोरहेड को अच्छी तरह कॉन्टूर कर लीजिए एंड ब्लेंड विद द हेल्प ऑफ द ब्रश विद विच यू आर अप्लाइंग इट। आप देख सकते हैं मैंने अपने नोज़ को भी अच्छी तरह कॉन्टूर कर लिया है। यहाँ पे ये जो शेड है ये थोड़ा सा कोरली पिंकिश, थोड़ा सा ग्लिटरी टाइप का शेड था एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई चीक्स बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा यू नो डीप टाइप का शेड भी नहीं चाहिए था, बट ऑन द अदर हैंड मुझे थोड़ा सा ब्लशी टाइप का शेड चाहिए था, करवा चौथ है तो ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे एज अ हाइलाइटर मैंने जैसा कहा आपको वही जो शेड ग्लिटरी टाइप का शेड है शिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट में वही मैं अप्लाई कर रही हूँ। माई पैलेट नंबर इज 04, आप चेकआउट कर सकते हो, अमेजन पे ये अवेलेबल है। ओके एंड अपने ब्रिज ऑफ माई नोज़, ऑन द चीक्स एंड ऑन माई फोरहेड क्यूपिड्स बो इसे अप्लाई करूँगी एंड आई हैव टू ब्लेंड इट। मैं यहाँ पे मोटा वाला फैन ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे एक ब्लेंडेड सा लुक मिले और बहुत ज़्यादा जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो चला जाए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ वेट स्पॉन्ज मैं अपने पूरे फेस को अच्छी तरह सेट कर लूँगी। इससे क्या होगा, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड जो जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है, अगर हाइलाइटर ज़्यादा हो गया है या फिर ज़्यादा कॉन्टूर या फिर ज़्यादा ब्लश हो गया है आपके फेस पे तो वो चला जाएगा। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस एलेटीन कलर पॉप्स लिपस्टिक। दिस इज़ अ रेड शेड। अगर आपको रेड यूज़ करना है आप रेड यूज़ कर सकते हैं। मैं टू लिप ऑप्शन दूँगी, आई थिंक द सेकेंड ऑप्शन वॉज माई फेवरेट, बट ऑब्वियसली आपको जो भी सही लगे आप भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा वाला शेड इस मेकअप लुक के साथ ज़्यादा जा रहा था। यहाँ पे मैंने लाल बिंदी लगा लिया था
एंड अपने इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ये जो ग्लिटरी शेड है वो अप्लाई कर रही हूँ, एंड जो पिंक जो हमने ऑन द लिड्स अप्लाई किया था वही अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा ऑन माई लोअर आईलिड्स, ठीक है। एंड ऑल्सो अपने आईब्रोज को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी विद दिस ग्लिटरी शेड, दिस वाइट टाइप ऑफ शेड, सिल्वरी शेड, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो आई मेकअप लुक है वो काफ़ी ज़्यादा पॉप आउट होके आएगा। नेक्स्ट टाइम यूजिंग इज दिस ब्राउन एंड ऑरेंज शेड फ्रॉम माई लोअर आईलिड्स, एंड जो मैंने काजल अप्लाई किया था उसे थोड़ा सा स्मर्ज कर लूँगी। तो लुक आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा आया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सिंदूर तो मेरे पास था नहीं, एंड सो आई यूज़ दिस लिपस्टिक, दिस रेड लिपस्टिक। यूजुअली मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ड्राइंग है, ठीक है। ये ड्यूप था हुडा ब्यूटी का, सो दैट वाज ऑल आई डिड फॉर द लुक। एंड आप देख सकते हैं लुक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि मैं एज यूजुअल अपने हेयर स्टाइल को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा हेयर स्टाइल इसके साथ अच्छा जाता। तो मैंने हेयर को नॉर्मल अभी के लिए तो रखने दिया था, बट लेट्स सी। ओके, लिप शेड आपने देख लिया, मैंने रेड लिप शेड अप्लाई किया था, ब्राइट रेड लिप्स। अगर आपको ब्राइट रेड लिप्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे कुछ यू नो न्यूड शेड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, दिस इज़ चीयरलीडर फ्रॉम हुडा ब्यूटी, ये आपको लोकल स्टोर में ही मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो अ ड्यूप, बट द प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है, प्लस द शेड इज़ जस्ट अमेजिंग, ठीक है। यहाँ पे अपने पूरे लिप्स में अप्लाई कर लूँगी एंड अपने बिंदी को चेंज कर लूँगी, दिस इज़ अ वायलेट स्मॉल बिंदी दैट आई हैव अप्लाइड। एंड अपने हेयर को मैंने थोड़ा सा क्लचर की हेल्प से टाई कर लिया था, नथिंग एल्स, कुछ ज़्यादा नहीं किया था मैंने। एंड मुझे ऐसा लगा कि अगर स्ट्रेटनिंग वगैरह करती तो बेटर लगता, बट एनी वेज दैट इज़ ऑल आई डिड फॉर दिस लुक गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, एंड अगर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, एंड यू कैन सी लुक कैसा टर्न आउट हुआ है, प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड ईयरिंग्स भी मैंने सिंपल ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स ही डाला था, बट गोल्डन शेड में। So guys, that was all for today's video. I hope you liked it. I will meet you with another video. Till then, bye-bye. Take care and love you all.